दोस्तों, विश्व के चर्चित ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना और पढ़ा जरूर होगा, लेकिन भारत में भी ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत में मौजूद ज्वालामुखी के आसपास सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं होती, हालांकि कुछ दूरी से इन ज्वालामुखी को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं भारत में मौजूद ज्वालामुखी का जिक्र किया जाता है तो अंडमान द्वीप समूह में मौजूद बैरन ज्वालामुखी का जिक्र सबसे पहले लिया जाता है और कहा जाता है कि यह अंतिम बार साल 2017 में विस्फोट हुआ था। यह एक मिश्रित ज्वालामुखी है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप में ही मौजूद नारकुंदम भी भारत का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। यह लगभग 710 मीटर ज्वालामुखी है। यह भी एक मिश्रित ज्वालामुखी है, हालांकि यह ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। दक्कन पठार ज्वालामुखी भारत के किसी और राज्य में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ही मौजूद है। महाराष्ट्र दक्कन का पठार है और इसे इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि यह भी एक मिश्रित ज्वालामुखी है। भारत में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी का जिक्र किया जाता है तो अंडमान द्वीप समूह में मौजूद बारा तांग का जिक्र जरूर होता है। कहा जाता है कि यह साल 2003 से सक्रिय था। तो साथ ही हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।